यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी Jai Radha Madhav, Punjabi Hari. Jai Radha Madhav, Punjabi Hari. Pijana vala ba giri varadari, Jaya Gopi jana vala giri varadari. यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज वनचा मुना चारे जय राधा माधव कुंजबिहारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare 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 Rama Hare Rama तेगोराहरिबो हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की ओम अध्यान अत्मिरंदस्यात न्यानं जनाशलाखाया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वै नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं सापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेयं अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजाता स रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च म ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि गौर्भक्तरुन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हरिओ जन्म कर्मच में दिव्यम एवं योगी तत्वतः त्यक्वादेहम पुनर्जन्म नैति में सो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है उसे फिर से इस भौतिक संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है देखिए कितना अच्छा ऑफर है है कितना <laughs> अच्छा ऑफर दे रहे भगवान लेकिन कितना हम दुर्दैवी है इतना सीधा भगवान के बारे में सुनना है और बस मृत्यु से आप मुक्त हो जाओगे हाउ इजी इट इज वाई वी मेक इट सो कॉम्प्लीकेटेड क्योंकि कलयुग का प्रभाव है कलयुग का प्रभाव है तो इतना आसान सा चीज़ है भगवान को याद करो भगवत धाम चले जाओ बैक टू गॉड इसलिए भगवान उद्धव को कहते हैं ग्यारहवें स्कंद में भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में जा रहे हैं तो उस समय उद्धव जी जो कि अभी अकेले भक्त बच गए बाकी सब तो चले गए भगवान तो श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं या आप अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हो लेकिन मेरे जैसे गृहस्थ का क्या होगा कैसे हम आपके संपर्क में रहेंगे कैसे हम आपकी सेवा करेंगे तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मैं मूर्ति के रूप में उपस्थित रहूँगा ये बताया और इसीलिए इस्कॉन में जो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा होती है वो डायरेक्टली कृष्णा ने बताया ऐसी होती है ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भगवान की सेवा करते हैं ऐसे तो कृष्ण ने बताया उसमें एक बताते हैं कि मेरे जन्मोत्सव का आप क्या कीजिए उसका उत्सव मनाइए मेरे जन्म का उत्सव मनाजिए राम राम जन्मोत्सव नरसिंह पेरेंस डे रामनवमी और उसी के समय समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्री प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य समान है कृष्ण सूर्य सम सूर्य को कभी अंत नहीं होता है ना उसका कोई शुरुआत होती है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को शुरू अनादिर आदिर गोविंद तो भगवान श्री कृष्ण को कोई शुरुआती नहीं कोई अंत भी नहीं है हमारी दृष्टि से तो हमारी दृष्टि कैसी दृष्टि हमारी जब हम भगवान को स्वीकार करेंगे तब भगवान का अवतार हमारे लिए हो जाएगा ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है हमारे हृदय में भगवान को हम स्वीकार करेंगे और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो इसलिए भगवान को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है तो भारत में खास करके हम दो गलतियां करते हैं कृष्ण के बारे में एक कृष्ण को हम साधारण व्यक्ति समझते हैं होगा कोई बड़ा योगी होगा थोड़ा पॉलिटिशियन होगा बड़ा थोड़ा कोई ऐसा कोई नो थोड़ा देवता जैसा होगा कोई थोड़ा पोटेंसी होगी उसकी या तो सामान्य व्यक्ति कृष्ण बनता है ऐसे अभी तो वैसा तो ही लोग समझते हैं कोई भी सामान्य व्यक्ति कृष्ण है कि सामान्य व्यक्ति भी कृष्ण बन सकता है तो दोनों भी गलत है कृष्ण ना सामान्य व्यक्ति है ना सामान्य व्यक्ति कृष्ण बन सकता है इसलिए कृष्ण ही आना पड़ता है कृष्ण को क्योंकि हमें सिखाने के लिए कि कौन कृष्ण है इसलिए कृष्ण के मुख से ही कृष्ण को जानना चाहिए क्योंकि हम नहीं जान सकते वेद बताते हैं कि हम भी नहीं जान सकते कृष्ण को हाँ इतना सब वर्णन करते हैं वेद बताते हैं और हम कृष्ण को नहीं जान सकते हम कौन जान सक हम कौन है तो इसलिए कृष्ण को कृष्ण से ही जानना चाहिए नहीं तो हमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा आज दोपहर में आर एस एस के प्रोग्राम में कह रहा था कि कैसे सब लोग हिंदू को हिंदू सब कृष्ण को जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता है नो। you know? अपनी अंग्रेजी में मैं कहता हूँ एवरीबडी इज़ कॉन्शियस ऑफ कृष्णा बट नो बडी इज कृष्णा कॉन्शियस इन हिंदूज इंडियंस दे आर कॉन्सियस कृष्णा दे नो वहाँ कृष्णा है और क्या कृष्णा है बजाते और ज्यादा से ज्यादा थोड़े आध्यात्मिक हो तो भगवत गीता कही है बस और भगवत गीता मालूम है तो एक ही श्लोक मालूम है कर्मण्यवादी का बस भगवान कृष्ण के बारे में जान पहचान है तो ये केवल इट इज एक्सटर्नल ये सब बाहरी बाहरी है तो पांच साल या थोड़े पेंडेमिक से पहले आप सबको मालूम होगा एक इस्लाम प्रचारक है झकीर नाइक करके तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था और उनको पता नहीं था कि मैं इस कौन से हूँ तो उनसे फ़ोन आया था कि और नम्रता से बचा रहते हैं मैं सोच रहा यारे कितना अच्छा प्रचार करते हैं बोलते हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं हम और सबको हम कुरान की कॉपी देना चाहते हैं हम आपको भी हम कुरान की कॉपी भेजना चाहते हैं और आपके घर में आकर हम आपको कुरान समझाना चाहते हैं देखिए कितना डेयरिंग है मुसलमान एक, एक हिंदू के घर में प्रचार कर फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं मैं आपके घर में कुरान आके आपको कुरान के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको मैं दूर करना चाहता हूँ कभी आ सकता हूँ तो ऐसा मेरा डायरेक्टली उसने फ़ोन किया तो बोले कि क्या बोलना चाहते हो यू नो थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दीजिए बोलते कि क़ुरान में बताया गया कि अल्लाह यू नो सुप्रीम अल्लाह इज़ द सुप्रीम लेकिन हमारे भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ तो मैं सुप्रीम हूँ तो वो बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण कैसे सुप्रीम हो सकते हैं कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं तो वो बता रहे कि भगवान पवित्र होना चाहिए तो कृष्ण भी कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो तुरंत उसने मैं उसको पूछा कि वो कैसे पवित्र हो सकते हैं दे वो तो ऐसे सोलह हजार शादी की है उसने और उतना भी नहीं और वो गोपियों के साथ रास चढ़ते थे उनके कपड़े चुराते थे वो ऐसा व्यक्ति कैसे पवित्र हो सकता है ऐसा व्यक्ति सबके लिए आदर्श कैसे हो सकता है तो मैंने उसको पूछा कि यह कहाँ पड़ा आपने बोलते तो देखिए आपके ही भागवतम में है आपके ही पुराणों में बताया है बोला भगवत गीता पढ़ी है क्या और भागवतम का पहला श्लोक पढ़ा है क्या आपने तो तुरंत उसने मुझे प्रश्न किया आप इस कौन से है क्या तो <laughs> देखिए मतलब क्या हमारे हिंदू हिंदू लोग क्यों नहीं है क्योंकि हमको पता भी नहीं इतना बोल के कोई भी बड़ा अरे बहुत लोग डाउट भी करते हैं अरे कृष्णा बराबर ऐसे कैसे भगवान हो सकता है ये गोपियों के साथ डांस करता है ये आठ सोलह हज़ार तिरों से शादी करता है गोपियों के वस्त्र चुराता है मक्खन चुराता है ये ऐसा चोरी करने वाला भाग जाने वाला ये और लड़कियों के साथ नाचने वाला कैसे भगवान हो सकता है भगवान का मतलब है एकदम शुद्ध वन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए पवित्र होना चाहिए तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जन्म च में दिव्यम माई एक्टिविटीज़ आर ट्रांसेंडेंटल जन जन्म भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान के कार्य भी दिव्य है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी चर्चा दसम स्कंद में आती है तो यहाँ दसम स्कंद में आपको पता है कि परीक्षित महाराज को ये भागवतम की कथा चल रही है दशम स्कंद आने तक छठा दिन हो गया था और ये कथा ऐसे हमारे लिए हफ्ते में एक बार एक घंटा नहीं चलती थी ये कथा सात दिन रात दिन चलती थी और वो भी कोई प्रसाद नहीं था उसके बाद <laughs> प्रसाद उस खाली बस आओ सब कहा बैठे हैं पहले तो गंगा किनारे बैठे हैं बाद में नैमी बैठे हैं नदी झपेेट के नीचे बैठे हैं बस कथा ही सुन रहे हैं ऐसा ही नहीं कहा था कि आपके बाद इसके बाद फिस्ट होगी या ऐसा कुछ नहीं बताया था कथा ही सुन रहे हैं तो कौन से मूड में सुन रहे देखिए परीक्षित महाराज कि सात दिन में उनका मृत्यु होने वाला है करेक्ट और ये अभी छठा दिन चल रहा है और छठे दिन में देखिए उनकी क्यूरियासिटी क्या है छठे दिन में तो जो आदमी सोया नहीं छा छः दिन तक उसने कुछ पिया नहीं उसने कुछ खाया नहीं तो ऐसा आदमी छह दिन के बाद जो कि और एक दिन में मरने वाला है देखिए इस, इसकी कॉन्सियसनेस क्या है ये भावना कृष्ण को समझने के लिए चाहिए तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने वर्णन किया चंद्रवंश का वर्णन किया बाद में सूर्य वंश का वर्णन किया तो उसमें यदु का बात करते हुए तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हाँ मैं इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ ये कृष्ण कौन है इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ वो कैसे उनका जन्म हो गया कैसे उनकी इतनी शादियाँ हो गई उन्होंने कैसे कैसे वो ऐसे जन्म एक जगह और पाले गए तीसरी जगह और छोड़ के चले गए तीसरी जगह ऐसा क्यों हुआ तो हाउ क्यूरियस ही इज ऐसा तो आप परिचित को कुछ मालूम नहीं था क्या सब कुछ मालूम था उसको सब कुछ मालूम था तो फिर भी क्यूरियोसिटी तो हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि पहले बहुत बार सुना है इस तरह से सुनना चाहिए कि ये मेरा लाइफ लाइन है जैसे ऑक्सीजन को तो हम हर बार लेते हैं लेकिन मरते वक्त तो ऑक्सीजन मिला तो कैसा लगता है वही ऑक्सीजन है आ, वो अलते बोलते ना अरे ऑक्सीजन में तो मुझे आदत है पूरा जीवन में ऑक्सीजन लिया <laughs> अभी ऑक्सीजन कैसा ले रहे हैं आप मरने के लिए आ रहे हो उस समय ऑक्सीजन दे रहा है तो वो ऑक्सीजन का कीमत क्या होता है बहुत बड़ा होता है तो कृष्ण कथा तो हम हर बार सुनते हैं लेकिन इस मूड में परीक्षित महाराज सुन रहे हैं कि अभी उनका कल मृत्यु होने वाला है तो इज लाइक ए लाइफ लाएग, लाइफ सेविंग ऑक्सीजन मिल रहा है उनको तो कैसे ले रहे हैं जैसे कि मरा हुआ मरते हुए व्यक्ति ऑक्सीजन को कैसे लेता है तो इज लाइक ए लाइफ फॉर सो कृष्ण कथा इसको इस प्रकार से सुनिए भले हमने बहुत बार सुनी होगी लेकिन हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा क्या क्या हमारे प्रति कृष्ण का संबंध बढ़ा क्या क्या हमारी सेवा में उन्नति हो गई क्या क्या हमारे जपा में उन्नति हो गई क्या तो ये सब सोचना चाहिए तो ये सब हो नहीं रहा है मतलब हम कृष्ण को कृष्ण रसायन को और ज्यादा गहरी से सुनना चाहिए और अच्छे तरह से सुनना चाहिए तो इसलिए परीक्षित महाराज जब यह प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि एक बार इस पृथ्वी पर सब राक्षसों का बहुत ही हलकलोर हो रहा था बहुत ही राक्षस जो है बहुत ही ताकतवान बन गए थे और उस समय वो लोग सब किसके पास गए सभी देवताओं के पास गए और सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा सभी देवताओं को लो विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे राक्षस जो है खास करके कंस जैसे राक्षस हैं उन्होंने पूरे प्रकार से अधर्म मचा के रखा है और इससे केवल आप ही हमको छुड़ा सकते हो तो लोग समझते हैं कि कलयुग में ही अधर्म रहता है हर युग में अधर्म रहता है उसका थोड़ा फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रहता है हाँ तो इसलिए तो विष्णु कहते हैं कि अभी आप जाओ और मैं मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है तो उसके अनुसार मैं अवतीर्ण होऊंगा तो भगवान पहले से ही बता रहे कि मैं आ रहा हूँ पहले से ये विशेषता है इसलिए वो भगवान है हमारे में से कितने लोगों ने बताया था हमारे माँ बाप को मैं आ रहा हूँ आपके घर पे हम <laughs> लोगों को किसने बताया था नहीं है एक ही पुरावा है बस ये कुछ अलग है हमारे से हाँ कृष्णा अलग है तो बता रहे कि जाओ आप ही आप चले जाओ और दूसरी चीज यहां देखिए हम जब भी हमारे ऊपर कोई दुखद प्रसंग आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं देवताओं के पास जाते हैं और हमें क्या लगता है अरे ये देवता मुझे मदद कर रही है ये देवता मुझे मदद कर रही है लेकिन देवताओं के ऊपर जब दुखद प्रसंग आता है वो कहाँ जाते हैं वो विष्णु के पास जाते हैं और वो अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि हमें अगर कोई दुख प्रसंग आ रहा है अगर हमें कोई मुसीबत आ रही है तो हमें देव देवता नहीं सीधा कृष्ण के पास जाना चाहिए देव देवताओं से सीखना चाहिए कैसे देवताओं के पास जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम उसको लांग उसको छोड़कर चला जाना चाहिए अब सभी हमें सब देवता सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें कृष्ण के पास जाना है क्योंकि वो खुद जाते हैं तो हम ये धर्म का मतलब हम समझते हैं कि देवताओं से कुछ लेना देवताओं से कुछ मांगना तो देवता किस लिए जाते हैं कि हमें सब देवता देखिए हम सब सेवा कर रहे हैं कैसी सेवा कर रहे हैं कैसी सेवा कर रहे हैं एक एक सेवक हमारे सामने हर रोज दिखाई देता है सबसे महान वैष्णव है सूरज है ना कैसा सेवा कर रहा है एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है एक दिन छोड़ दो एक घंटे की भी छुट्टी नहीं लेती है करेक्ट उसको पगार कितना मिलता है महीने का कुछ भी नहीं मिलता है दैट इज सर्विस ये सेवा है ऐसी सेवा हम कब करेंगे प्रतीक्षण स्वाद न ऐसी हमारी भावना देवताओं से हम सीखते हैं देवताओं से हम सीखते हैं सूरज का एक ही उदाहरण दिया मैंने ऐसे तो तैतीस कोटि देवता हैं उस पृथ्वी भी देख सकते हैं चंद्रमा भी देख सकते हैं हवा भी देख सकते हैं वरुण भी देख सकते हैं इंद्र भी देख सकते हैं ये सब देवता जो कि भगवान की निरंतर अहित्व की सेवा कर रहे हैं कोई भी उनको कुछ कुछ फायदा नहीं मिलता है उनको कुछ पगार नहीं मिलता है कोई इंसेंटिव नहीं मिलते हैं कोई ग्रेचुएटी नहीं कुछ भी नहीं है वो फैमिली के साथ भी नहीं रहते इतने सेवा में लगे हुए हैं तो ऐसी सेवा जो है ये हमारा स्वभाव है कृष्ण के प्रति तो ये देव देवताओं के पास जब हम लोग जाते हैं देव देवता लोग हंसते हैं बोलते हैं कि क्या पागल लोग हैं ये अरे हम खुद स्वयं कृष्ण के पास जाते हैं और ये क्यों समझ बैठे कि हम इनको कुछ दे रहे हैं तो ये देवताओं से हमें सीखना चाहिए कि हमें हम कैसे कृष्ण के पास जाए और किस भावना में जाए तो ये हमें देवता सिखाते हैं तो बाद में भगवान जानते हैं तो उनको कहते हैं कि आप जाओ तो हम आ रहे हैं तो इस प्रकार से यदु वंश में और वंश में सब देव देवता पहले से ही अवतीर्ण होते हैं और उसके बाद थोड़े दिन के बाद कृष्ण आते हैं तो ये कथा जो है भागवत में शुरू होती है तो यदु वंश के जो है वसुदेव और देवकी का विवाह हो जाता है और उस विवाह के समय बड़े धूमधाम से विवाह हो जाता है और देवक जो देवकी के पिता है वो बहुत बड़ा डावरी देते हैं क्या बोलते हैं उसको हुंडा मराठी में बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं दहेज दहेज देते हैं और इस प्रकार से और ये वैदिक परंपरा है कि भाई जो है अपने बहन को अपने नए घर में लेके जा रहा है क्योंकि वहाँ उनको कुछ पता नहीं है नया घर है तो एक तो व्यक्ति अपने पुराने घर से देखिए लड़की का जीवन बहुत मुश्किल है बीस साल तक एक घर में रहना और पूरा ऐसा घर छोड़ के दूसरे घर में पूरे जीवन के लिए जाना यह आसान चीज़ नहीं है ये आसान चीज़ नहीं है तो लेकिन इसीलिए उस घर का ऐसा कोई व्यक्ति उस लड़की को लेकर उसके साथ उसके पति के साथ उन घर में जाता है ताकि सब लोग नए हैं उधर अभी तक सबकी पहचान नहीं हुई है इसलिए वो उसके साथ जाता है तो बहुत प्रेम से अपने बहन को ले जाता है तो ये वैदिक परंपरा है तो उस प्रकार वसुदेव और देवकी को लेकर कंस जो उसका भाई है वो दोनों को रथ में बिठा कर लेके जा रहा है बहुत आनंद से अपने उसको आनंद है कि अपने बहन की शादी हो गई वसुदेव से हो गई है तो सब कुछ आनंद ही आनंद है लेकिन वो जब आकाशवाणी सुनता है कि ये मूर्ख जिस देवकी का तो इतना लेके जा रहा है उसी का आठवा पुत्र तेरे मृत्यु के कारण होगा देखिए अभी तुरंत कंस की भावना बदल जाती है इतना बहन को प्रेम दिखा रहा था तो क्या हो गया अभी अभी वो प्रेम का क्या हो गया फिर से उसने उसके बाल पकड़े और उसको तलवार लेके वो मारने लगा देखिए एक क्षण में कितना आदमी बदल जाता है कितना बदल जाता है जो वसुदेव अपने शादी करके जा रहा है इतना आनंद से त्योहार मनाया है शादी मनाई है और यहाँ पर आकाशवाणी सुन ली कंस ने गे? कि इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरे मृत्यु के कारण होगा तो कंस तुरंत बदल गया तो यही हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है जब तक हमें चाहिए वो लोग करते हैं तब तक उस व्यक्ति से प्रेम है और जिस वक्त उसको या हमको पता चलता है कि ये मेरे इंद्रिय तृप्ति के बीच में आएगा तो उसको हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर राक्षसी वृत्ति का वर्णन करते हैं कि जो राक्षसी वृत्ति के होते हैं वो अपना स्वार्थ जुटा के लिए कुछ भी कर सकते हैं किसी की हत्या भी कर सकते हैं और ये हम कलयुग में देख रहे हैं कलयुग में देख रहे हैं और कलयुग का वर्णन में आता है कि लोग कौड़ी के लिए मतलब एक पैसा के लिए खून करेंगे लोगों का एक पैसे के लिए वो पैसा महत्वपूर्ण है उसके पीछे जो अहंकार है उसके लिए महत्व वो उसके लिए खून करेंगे तो ये राक्षस वृत्ति है ये कंस की वृत्ति है तो अपने बहन पर इतना प्रेम करने वाला थोड़ा सा उसको समझ गया कि इसका आठवा पुत्र मुझे मारने वाला है तो तुरंत वो क्या बन गया वो शत्रु बन गया अपने बहन का और उसके बाल पकड़ के हाथ में तलवार लेकर उसके गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा था कि कितना एक मिनट में अपनी वृत्ति बदल जाती है तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त है वो द्वंद्वातीत है वो डुअलिटीज़ में नहीं रहता है सुख में और दुख में वो एक ही रहता है क्योंकि उसको मालूम है किसी भी अवस्था में हम भगवान के दास हैं लेकिन अपने शरीर के ऊपर जो प्रेम करते हैं वो डरते हैं मृत्यु से मृत्यु से डरते हैं तो किसी भी कारण से हो भले अपने बहन से भी हो तो तुरंत उसके ऊपर सोचते है कि मुझे मुझे ही कुछ करना चाहिए और वो क्या करते हैं मेरे मृत्यु के कारण है उसको उसको भी खत्म कर दूंगा तो ऐसा होने थोड़े भी होने वाला है कि वो मरने वाला नहीं है तो ये असुर जब होते हैं तो सोच नहीं सकते हैं सोच नहीं क्रोध में जब व्यक्ति आता है तो विवेक खो बैठता है और जब विवेक खो बैठता है तो वो नहीं जानता है क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है वो समझ में नहीं आता है उसको बिबिल्डर होता है ये भगवत गीता में चैन बताया है बहुत बड़ा चैन है ये तो इस प्रकार कंस को गुस्सा जब आता है तो वसुदेव जो है वो ब्राह्मण एकदम सचशील धर्मशील है वो कहता है कि अभी देखिए आगे जो होगा वो होगा अभी मुझे देवकी का क्या जीवन बचाना है पहले चीज़ यही है तो जाके कौन उसको बोलता है कि तो इसको तो ये तो मार नहीं है रहे आपको हाँ ये तो मार नहीं है देवकी तो मृत्यु का कारण नहीं है उसका पुत्र कारणीभूत है ना तो देवकी को क्यों मार रहे हो और दूसरी उस स्त्री को अबला कहा गया है और स्त्री के ऊपर स्त्री के हत्या करके कौन सा बड़ा आप शौर्य कर रहे हो कौन सा बड़ा आप काम कर रहे हो और वो भी आपकी बहन है अभी अभी उसकी शादी हुई है तो उस बहन को मार के आपको कुछ मिलेगा क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों काली पीली उसको तक, आप तकलीफ दे रहे हो तो वसुदेव कहते कि ठीक है आठवा पुत्र ना मैं आपको पुत्र लाके दूंगा तो आपको चिंता नहीं है आपको चिंता नहीं है आप देवकी को मत मारो तो देखिए सा राक्षस है फिर भी वो वसुदेव के वचनों पर कितना विश्वास है उसका प्रपाद इसके में लिखते हैं कि दिस इज वैष्णवा कि वट एवर ही सेज हीज फॉलोज नो ही सत्य वचनिंग धर्मशील है तो कंस को इतना विश्वास है वसुदेव ने कहा वो बेटा ला के दूंगा अभी तो वचन दिया तो कंस उसको छोड़ देता है लेकिन क्या करता है कि अभी उसके आद, ये मेरे नज़र में रहने चाहिए तो उनको जेल में डाल देता है देवकी और वसुदेव को अभी जो भक्त नहीं है कभी कभी लोग पूछते है इतना आसान था देवकी को एक कमरे में और वसुदेव के एक कमरे में रखने का था प्रॉब्लम ही सॉल्व होता था, था ना देव ना देवकी मरती ना उसके आसाद पुत्र मरते कितना आसान है ना लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कृष्ण स्वयं अपना आने के लिए कर रहे हैं और उसके पीछे और भी कथा है क्योंकि ये जो छः लोग है ये तो मरीची के पुत्र थे तो उनका भी डिलीवरेंस करना था कि कृष्ण जब करते हैं ना ये वेरी माइक्रो मैनेजमेंट एंड मल्टी मैनेजमेंट इतना डिटेल में करते हैं क्योंकि हम एक ही जन्म का देख रहे हैं कृष्ण तो ऐसे दस जन्म का सबका देख रहे हैं जो कि हम नहीं देख सकते हम तो खाली देवकी के छह पुत्र मारे इतना ही सीन देख रहे हैं उसके पीछे क्या है उसके पीछे क्या है किस लिए कर रहे हैं और उसी के साथ साथ कंस की भी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं उसी के साथ साथ मरीची को पुत्रों को भी लिबरेट कर रहे हैं उनको भी मुक्त कर रहे हैं एक ही साथ कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं और उसी के साथ साथ खुद भी आ रहे हैं तो, उसी कंस का वध करने के लिए तो इसलिए इस भगवान जो भगवद गीता में कहते हैं कि वेदाहम समितानी वर्तमान आनी चाहिए अर्जुन भविष्य नीचे भूतानी माम तू वेदन कश्चिन भगवान अर्जुन को कहते तू तू नहीं जानता है क्या पीछे क्या हो गया भूतकाल में क्या हो गया तो नहीं जानता है भविष्य काल में क्या हो गया वो जानता नहीं है और वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी नहीं जानता है तो तीनों परिस्थितियों में लेकिन भगवान समझ जानते बोलते हैं कि मैं जानता हूं क्यों क्योंकि वो हर एक के हृदय में है हर एक के हृदय में हम भूल जाएंगे क्या करें क्या किया है लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं पूरा कभी उनका कभी क्या बोलते हैं उसको मेमोरी कभी फेल नहीं होता है या कंप्यूटर कभी क्रैश नहीं होता है हमारा जैसे होता है तो भगवान कितने सब लोगों का सब पहले से उनके पास लिस्ट है हर एक व्यक्ति का जब से हमने भगवत धाम छोड़ा है तब से भगवत धाम वापस जाएंगे पूरा रिकॉर्ड भगवान के पास है हम भूल जाएंगे लेकिन भगवान के पास सब कुछ है कितने सिनेमा देखे कितने बार होटल में गया कितने क्या क्या किया सब कुछ रिकॉर्ड है भगवान के पास कर किस लिए आप उतने भेजा था उसके लिए हमने क्या किया तो हम भूल जाते हैं इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्तमान भी हम वर्तमान को भी नहीं जानते हैं भविष्य और भूत तो नहीं जानते हैं हम वर्तमान को भी नहीं जानते हैं कितने लोग वर्तमान को जानते हैं आप सोच रहे कि मैं वर्तमान की जानता हूँ मैं हिंजोड़ी में रहता हूँ या टी, टी सी एल में काम करता हूँ ये हमारा वर्तमान है नहीं ये शरीर का वर्तमान है हमारा वर्तमान थोड़ा ही है ये शरीर का वर्तमान है ये बदलती जाएगा हाँ हमारा वर्तमान कितनी बार बदला है हम छोटे बच्चे थे बाद में बड़े हो गए बाद में नौकरी कर रहे बाद में बूढ़े हो जाएंगे वर्तमान बदल चा जाएगा लेकिन हम वही रहेंगे तो ये वर्तमान हम अभी आत्मा के दृष्टि से क्या कर रहे हैं ये हमारा वर्तमान है तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वर्तमान को भी अभी जो चल रहा है उसको भी आप नहीं जानते बाद में भविष्य और भूत का तो छोड़ ही दो ये भी नहीं जानते लेकिन भगवान जानते हैं तो इस प्रकार वसुदेव ने भक्त है तो वो जानते हैं भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनको पहले वर्तमान मालूम है भविष्य मालूम है और भविष्य में जो होने वाला है वो भूतकाल के अनुसार होता है वो भी उनको पता है तो वो सरेंडर है जो होने वाला है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है इसके लिए वो क्या है शरणागत है तो इसको स्वीकार करते हैं तो देवकी और वसुदेव ये कैसे हैं कि ये पहले उनके जो छह पुत्र जो आते हैं जो पहला पुत्र कीर्तिमान उसका नाम है उसको लेकर कंस के पास आते हैं देखिए कंस जी की भले राक्षस है लेकिन नीतिमान है उन्होंने वचन दिया वसुदेव को बोलते हैं कि आपने अपना वचन पूरा किया हमने क्या किया आपने मुझे लाके दिया और इससे मुझे डर नहीं है इसको वापस लेके जाओ ऑनेस्टली वास्तुदेव भी ऑनेस्ट है और कम से भी ऑनेस्ट है देखिए डीमन होके भी ऑनेस्ट रहते हैं कभी कभी तो ऑनेस्ट रहना ये आध्यात्मिक गुण नहीं है राक्षस भी रहते हैं कभी कभी लोग कहते हैं धर्म का मतलब क्या है सच बोलो ये दोनों भी सच ही बोल रहे हैं ना लेकिन उसमें एक राक्षस है और एक भक्त है तो सच बोलो या सच रहो किसी को दुख मत दो ये लोगों को क्या लगता है धर्म है ये तो यहाँ सच बोल रहा है राक्षस है और सच बोल रहा है ये सच बोल रहा है कि आप लेके जाओ आपने वचन दिया था तो बाद में अभी वहाँ पर नारद मुनि जी आते हैं नारद मुनि जी आते हैं तो मराठी में उसको नारद नारद मुनि को क्लाव्या कहते हैं कर्लावा नारद ना <laughs> जो मराठी जानते हैं क्यों देखिए नारद मुनि जो है भगवत भक्ति में चावी जल्दी घुमाते हैं आपका अगर दस जन्म के बाद जा रहे हो नारद मुनि ऐसी व्यवस्था करेंगे एक ही जन्म में आप चले जाओ वापस क्योंकि तो ये नारद मुनि जब आते हैं नारद मुनि कहते हैं कंस को अरे कंस देखिए कि किस तेरा मुकाबला किससे मालूम है विष्णु से है विष्णु से है <laughs> तो ऐसा मत कहना ये जो पुल की पांकुड़ी है उसमें एक कौन सा है और आठवां कौन सा है कोई गिनती कर सकता है क्या <laughs> उनकी पाकुड़ी में पहला कौन सा है आठवा कौन सा है जो आप समझो वो पहला है और आठवा आठवा है उसी प्रकार कृष्ण जो है वो फूल की पाकुड़ी के समान है और जो पहला है जो आपको आठवा लगेगा वो पहला भी हो सकता है तो तुरंत कौन की मति फिर से बिगड़ गई क्योंकि क्या हो गया जो समझ रहा था वो गलत निकला तो भ्रमित हो गया था उसके फिर से मृत्यु का डर हो गया तो उसने तुरंत गया और देवकी से हाथ से उसको छीन के लिया अभी देखिए माता का हृदय क्या होता होगा ऐसे लिया और उसके सामने जमीन पे ऊपर जो है फेंक के मार डाल दिया तो इस प्रकार ये देवकी का क्या हो रहा है अम्म सा छह पुत्र उनके सामने मारे जाते हैं तो ये पहले ही जो है वसुदेव वहां पर प्रॉमिस किया है तो प्रामाणिकता से प्रामाणिकता से छह पुत्र को जाके कौनस को देता है कौनस को दे देता है कि कितनी प्रामाणिकता है कितनी धर्मशीलता है वो विचार नहीं कर रहा है कि मैंने ऐसा क्या ये कैसा होगा क्योंकि उसके भी उसको भी कृष्ण जो कुछ कर रहे हैं मेरे जीवन में भले ही मेरे पुत्र की हत्या मेरे सामने हो रही है लेकिन इसके पीछे जो क्या है ये कृष्ण ही जानते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं और इसलिए वो छः पुत्र को दे के देते हैं तो आचार्य लोग आचार्य कहते हैं कि ये छह जो पुत्र है हालांकि एक्सटर्नली बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं के मरीचि के पुत्र है लेकिन आचार्य लोग उसके पीछे हमें बताते हैं कि ये है हमारे अंदर हमारे हृदय के अंदर रहने वाले छह अनर्थ है काम क्रोध मदलोभ मोहर मत्सर ये अनर्थ जब तक है तब तक हमें गुरु की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी और गुरु के ही मदद से हम इस छह जो अनर्थ है उसको हम क्या कर सकते हैं साफ कर सकते हैं बाद में ही कृष्ण का अवतीर्ण होना संभव है उसके पहले कृष्ण अवतीर्ण नहीं होंगे तो इसलिए पूरा भगवान जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति पे कि जहाँ एक तरफ कंस है और दूसरी तरफ वासुदेव है देवकी है और ये छह पुत्र है तो भगवान सबके ऊपर जो ऑल ओवर जो है वो देख रहे हैं कंस अपने मन से सोच रहा है वसुदेव अपने मन से सोच रहा है देवकी अपने मन से सोच रही है लेकिन कृष्ण जो है ये तीनों को संभाल रहे हैं तीनों को देख रहे हैं और तीनों का जीवन जो है जो आ उनके उनके इच्छा के अनुसार वसुदेव और देवकी की इच्छा थी कि उनके कृष्ण उनको अपने पुत्र रूप में प्राप्त होना चाहिए कौस की इच्छा है कि कृष्ण को मुझे मारना चाहिए क्योंकि यही मेरे मृत्यु का कारण बन रहा है और देवकी की इच्छा थी कि हमें मुझे कृष्ण को बेटे जैसा उनको जन्म देना है और पालन करना ये देवकी ने नहीं बोला इसलिए वो दूसरे कृष्ण पालन करने के लिए दूसरे घर में चले गए गोकुल में चले गए क्योंकि उसने खाली जन्म देना था तो इसलिए बाद में गोकुल में चले जाते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण का ये इ, 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 इस यहाँ पर जो जब उनको जेल में डाला जाता है तो वहां पर देवता गर्भ अभी देवकी के कैसे गर्भ गर्भधारण हो गया ऐसे हम अभी कलयुग में जैसे स्त्री और पुरुष एकत्र आता है ऐसे गर्भाधारण हो गया क्या ऐसा नहीं है दिव्य है दिव्य का मतलब है पहले वसुदेव के हृदय में अवतीर्ण हुए कृष्ण वृषदेव के हृदय में अवतीर्ण हो गए बाद में वही कृष्ण देवकी के हृदय में अवतीर्ण हुए और वहां से गर्भ में गए ऐसा कहा नहीं बताया है शास्त्र में कि ये देर बॉर्न ऑफ सीमन ऐसे वीर्य से बताया ऐसा शास्त्र में नहीं बताया क्योंकि ये वीर्य से नहीं बताए हुए क्योंकि हम समझते हैं वीर्यस्खलन होने से पुत्र होता है या पुत्री होती है साइंस ऐसा कहता है तो सब जितने भी मैरिड लोग हैं उनको सबको होना चाहिए उनका सबका पतन होता है सबको होना चाहिए तो क्यों किसी को होता है किसी को क्यों नहीं होता है क्योंकि उनको ये स्पिरिचुअल उसके जो सटल चीज है पीछे वो पता नहीं है इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि देवकी और वसुदेव को अलग अलग खोले रूम में रखे तो अच्छा होता क्योंकि उनको पता नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति कैसी होती है पुत्र की कर्मणा दैव नेत्र जंतुवत्य है तो भगवान के अधिष्ठान भगवान की इच्छा से पुत्र प्रा, किसी को पुत्र होता है या पुत्र प्राप्ति होती है ना कि स्त्री और पुरुष एक आने से एकत्र आने से अगर ऐसा होता तो सबको हो जाते हैं तो कर्मणा दैव नेत्रण नेत्र जंतु तो भगवान की इच्छा से स्वयं इच्छा से तो उसी प्रकार हमारी इच्छा होती है लेकिन हमें वीर्य का माध्यम लेना पड़ता है जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने के लिए वैसा दैवी प्रकृति में नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन में देर इज नो सेक्स देर इज नो सेक्स देर इज कृष्णा डिजायर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर कृष्णा आपकी इच्छा के अनुसार एक जीव से दूसरा जीव निर्माण होता है एक जीव से दूसरा जीव निर्माण होता है ऐसे नहीं है कि ये भौतिक प्रकृति का उसको क्या आसरा लेना पड़ता है तो ये इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम ये दिव्य है क्योंकि दिव्य का मतलब है जो कि तीन गुणों से परे हैं सत्वरज और तमा और जो कि इस भौतिक ज्ञान से परे हैं तो ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है इसलिए हम ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ऐसा होता ही नहीं है तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है जो हमें हमारे दृष्टि से नहीं दिखाई देता है वो शास्त्र सी दृष्टि से हम देखते हैं हमारी दृष्टि से पता नहीं चलता है तो शास्त्र की दृष्टि से हम देखते हैं तो भगवत गीता या भागवत पढ़ने की ज़रूरत क्या है क्योंकि जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे दृष्टि से या हमारे ज्ञान से जिसको हम समझ नहीं पाते हैं हम कृष्ण का जन्म मतलब ऐसा समझते कि सर्वसाधारण लोगों के जैसा होगा या मेरा बेटा भी कृष्ण के जैसा है या कोई साधारण व्यक्ति भी थोड़ा बड़ा बन गया तो वो भी कृष्ण है तो ये भौतिक देखना है कृष्ण को लेकिन आध्यात्मिक कृष्ण को समझना है तो उसको जन्म समझना बहुत आ, बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ये जब देवकी के गर्भ में वे जब आते हैं तो वहां पर उसको देखकर सब देवता लोग वहां पर आते हैं उस जेल में आते हैं और वो एक सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं किसी को गर्भस्तुति नाम का एक पूरा चैप्टर ही है तो ये गर्भस्तुति हर एक व्यक्ति आके गर्भस्तुति कर रहा है और उस गर्भस्तुति में क्या है वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान आप कैसे त्रिलोकाधिपति है भगवान आप कैसे अत्या तीनों लोगों को आप आप चलाते हैं किस प्रकार से आप भक्तवत्सल है किस प्रकार से सब दुनिया आपकी माया से प्रभावित हो गई है ये तो मैं छोटे 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 पॉइंट्स बता रहा हूँ किस प्रकार से पूरे दुनिया को आप संभालते हो तो इस प्रकार से सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं जो कि अभी भी अपने माँ के गर्भ में है आपके गर्भ में है कृष्ण आपके माँ के गर्भ में है तो जैसे भागवत में बताया गया है कि आ, आ, कपिल देव देवती को ये साइंस बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज, ज, जीव जन्म लेता है उसको नौ महीने तक एग्जैक्ट दिन भी बताए गए जो साइंस को अभी भी पता नहीं है कि ये भागवत में बताया गया कितना एग्जैक्ट दिन से कैसे गर्भ के अंदर किस प्रकार से गर्भ की उन्नति होती है तो इस प्रकार से कृष्ण की उन्नति गर्भ में नहीं हुई है कृष्ण कृष्ण जैसे आए हैं कृष्ण ऐसे नहीं कि यहाँ पर गर्भों में बताया गया है कि पहले जो है लाइक एक आ, वेरी स्मॉल मस्टर्ड सीड ऐसे जीव जो है वो शुक्राणु के रूप में से कैसे स्त्री के गर्भों में जाता है उससे भी वेरी 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 स्मॉल उसमें दिखने लगता है वो जब इट इट बिकम्स लाइक ए ग्रीन पी तो थोड़ा सा आ, तो हरा जो वटाना कहते हैं उसको पीज क्या कहते हैं हरा मटर हरा मटार की जगह देखिए हम कैसे रहते हैं पहले एक हरा मटार की तरह कोई सोच सच रहा है आप आपके माँ के घर में हरा मटार की तरह थे ये बात <laughs> सोचो कैसे थे आप वैसे कृष्ण नहीं आए बाद में हरा मटार के तीन महीने में ऐसे वर्णन करते हैं कि उसके अवयव आने लगते हैं ये भागवत में है संस्कृत लोक में बताया है बाद में उस अवयव को फूलते हैं और नौ महीने और कुछ दिन के बाद उसका क्या होता है वो गर्भवती जो है प्रस्तुत होती है और जीवात्मा बाहर आता है तो ऐसे भगवान नहीं आए भगवान अनुर महतो महीन वो कैसे है छोटे से भी छोटे है और महान से भी महान है तो इस प्रकार से देवकी के गर्भ में रहे जो कि देवता जानते हैं तो मां के गर्भ में है फिर भी वो भगवान है फिर भी वो भगवान है ऐसा नहीं कि बाहर आके कुछ तपस्या की और बाहर भगवान बने या ऐसा नहीं है कि एक साधारण जीव है जो कि बाहर आके बताएगा कि मैं भगवान हूँ भगवान भगवान ही है तो ये देवता जो वेदों में स्तुति कर रहे हैं तो यहाँ पर देवकी के गर्भ में है और कहाँ पे कारागृह में है तो यहाँ पर यह देवता कैसे आ सकते हैं तो कौस ने रखा था कि उनके पास कोई भी नहीं आना चाहिए और वहां पर क्या है वैसे भौतिक प्रकृतिक दृष्टि से देखा जाए वसुदेव को बेड़िया डाली थी मतलब वहाँ स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है देवकी को नहीं क्योंकि उसकी बहन है और दूसरी अबला है इसलिए उसको नहीं डाली थी देव वसुदेव को बांध के रखा था मतलब वहाँ शरीर प्रस शरीर संबंध का प्रसंग है ही नहीं तो ये दूसरा दिव्यत्व है भगवान को जन्म को जानने का तो इस प्रकार देवता प्रा, जब प्रार्थना कर रहे हैं तो इन प्रार्थनाओं से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण जो है ये जन्म से ही माँ के गर्भ में ही भगवान है ऐसा नहीं वो बाहर आके बाद में उन्होंने लीला सब कुछ लीला की है ये माँ के गर्भ में रहकर भी भी देवता जो प्रार्थना कर रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो भगवान के अपने अपने माँ के गर्भ में रह भी क्या है वो भगवान है तो इस प्रकार ये भगवान का अवतीर्ण दिन होता है तो आ, यहाँ पर प्रभुपाद जी के एक जो देवकी की हत्या करने के लिए जब काउंस जाता है तो वहाँ पर एक अच्छा प्रोपर्ट है प्रभुपाद का तो वसुदेव को मालूम है कि कृष्ण के इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो उसको जो काउंस कर रहा है उसको जो भी कर रहा है उसको अलाउ करने का ना क्योंकि ये तो कृष्ण की इच्छा होगी तो उस पर प्रभुपात बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं तो एवरी वन शुड ट्राई टू सेव देयर लाइफ प्रभुपात कहते हैं कि हर एक को अपने जीवन का रक्षा करने का अधिकार है उसमें कोई गलत नहीं है आप भक्त भी हो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शरीर है शरीर तो जाने वाला ही है तो मैं क्यों दवा ले लू मैं क्यों हॉस्पिटल में जाऊँ नहीं तो क्यों इसको ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए लेकिन क्यों रखना यह महत्वपूर्ण है दैट <laughs> इज जबकि आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो ठीक है तो रखना जरूरी है नहीं तो कुछ फर्क नहीं है इस चरण में जो कर रहे हो दूसरे शरीर में जाके वही करोगे तो आपको मरण मृत्यु का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो वहां पर बता रहे कि इसीलिए वसुदेव ने कोशिश की और ये कोशिश हमें सबको ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को मृत्यु हो रहा है तो चलो कृष्ण की इच्छा है तो ऐसा नहीं है कि दवा नहीं लेना चाहिए तो ऐसा एक प्रसंग आएगा ही असला ऐसा एक प्रसंग आएगा कि डॉक्टर बोल देगा कि अभी दवा और दवा की जरूरत नहीं दुआ की जरूरत है तब पता <laughs> तो तब तक हमें दवा लेनी चाहिए लो सकते हैं क्योंकि कृष्ण ने वसुदेव ने अपनी पत्नी को देवकी का जीवन बचाने के लिए ये किया है मतलब हमें इस शरीर का भगवान की सेवा के लिए इस शरीर का भी हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये शरीर ये शरीर नहीं है ये कृष्ण का मंदिर है ये शरीर कृष्ण का मंदिर है हमारा शरीर नहीं है हम भले इसको शरीर के रूप से देखें लेकिन ये शरीर नहीं है जहाँ पर कृष्ण रहते हैं वो कृष्ण का मंदिर है तो अगर हमारे हृदय में रहते हैं वो कृष्ण का मंदिर है ये शरीर तो इसको मंदिर की तरह रखना चाहिए इसलिए जैसे हम मंदिर का ख्याल करते हैं मंदिर में कुछ हो गया तो उसको फिक्स करते हैं रिपेयर करते हैं तो ये भी मंदिर है इस मंदिर का भी उसी प्रकार से प्रभुपात कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ख्याल रखना चाहिए इसलिए अगर कोई अच्छा हेल्थ है, चाहता है तो उसमें कुछ, कुछ खराब नहीं है कोई कोई इस शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ कार्य कर रहा है कुछ खराब नहीं है लेकिन किसके लिए कर रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है तो ये प्रभुपात वो एक पॉइंट वहाँ पर बताते हैं और जहाँ पर कंस जहाँ कंस का वर्णन आता है वहाँ पर प्रभुपात जी राक्षस वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार राक्षस है उनको असुर कहा जाता है तो असुर के अलग अलग है मतलब जो भगवान के सुर से सुर नहीं मिलाता है उसको असुर कहते हैं ये दोस्तों भगवान एक सुर में गा रहे हैं उस सुर में जाके जैसे कीर्तन हो रहा है दूसरा कोई आके ऐसा करताल बजाएगा कि पूरा कीर्तन बिगाड़ देगा तो उसको क्या करते हैं हम करताल निकाल लेते होते हैं कि जब बाहर जाओ पूरा क्या करो पूरा थोड़ा अभ्यास करके फिर से वापस आ जाओ तो उस हम सुर में भगवान का आध्यात्मिक जगत में जो सुर है अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है वहाँ हमारे बेसुर हो जाते हैं असुर हो जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं जाओ नीचे जाओ करतल से के वापस आ जाओ तोड़ो तो ये असुर है मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार जो नहीं चलते हैं और दूसरा असुर का मतलब है जो शरीर के ऊपर आसक्त है और जो जानता नहीं है उसका स्वभाव क्या है वो कौन है वो जानता नहीं है कि वो आत्मा है तो इसलिए उसको असुर कहा जाता है सुर मतलब जो है देव देवता जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है तो इसलिए भले भगवान श्री कृष्ण में वैकुंठ में हो भले भगवान श्री कृष्ण अनंत करके अनंत शे, शेष नाग की तरफ हो या भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में परमात्मा के जैसे हो किसी भी अवस्था में हो भक्त उनको जानता है भक्त उनको जानता है इसलिए कुंती देवी प्रार्थना क्या करते हैं नटो नाट्य धरो तथा जिस प्रकार से इतना जल्दी चिट्ठी आ गया हरे कृष्णा नहीं कभी कभी मेरे को चिट्ठी लेके आनंद होता है कभी बहुत लोगों की चिट्ठियां मेरे को ऐसी आती प्रभु जी प्रसाद तैयार नहीं है प्रवचन चालू रोको <laughs> तो आपके लिए मैं चिट्ठी नहीं देखूंगा <laughs> तो शायद देखूंगा फिर ऐसा आया है तो ओ, ओके हरे कृष्णा तो आपके लिए खुशखबरी है मुझे प्रवचन जल्दी खत्म करना है क्योंकि मैं बेलगाम जा रहा हूँ कल हमारे गुरु महाराज जी है तो वहाँ पर बुलाया है तो इसलिए जा रहा हूँ मेरा ट्रेन है तो प्रभुपाद जी हमको बताएं तो इट्स गुड न्यूज फॉर यू <laughs> तो इस प्रकार से देवता जो है वो सब स्तर पे जानते हैं कि कौन है कृष्ण तो हमें जो कि कृष्ण को नहीं जानते हैं उनके लिए देवता गर्भस्तुति कर रहे हैं उन आ, हमारे जैसे लोगों के लिए और वो उनका स्वभाव ही है भगवान की स्तुति करना तो इसलिए वो देवकी के गर्भ में भगवान स्तुति कर रहे हैं आ, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं तो ये मेरा जब जैसे मैं पहले कहा था कि ये जब तक नहीं जानते कैसे कृष्ण कृष्ण है तब तक उनकी रासलीला को हम समझ नहीं सकते तब तक हम उनके आ, मखन चुराने को नहीं समझ सकते हैं तब तक हम उसको और लीलाओं को हम समझ नहीं सकते हैं इसलिए परीक्षित महाराज को दसवें स्कंद में आने के पहले जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि उन्होंने ऐसी ऐसी लीला की तो पहले जन्म के बारे में बता रहे हैं तो डायरेक्ट वो भी रासलीला के ऊपर जाते हैं ना तो वो नहीं गए सुखदेव गोस्वामी पहले परीक्षित महाराज को क्या बता रहे हैं कैसे उनका जन्म हुआ और इसमें चार चैप्टर्स दिए हैं तो जन्म के बारे में तो ये समझना महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं ये उत्सव है क्यों उत्सव है क्योंकि हमारे हृदय में अवतीर्ण हो रहे हैं और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जन्माष्टमी ये प्रचार का उत्सव है और गौर पूर्णिमा आनंद का उत्सव है तो को जन्माष्टमी में हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक ही हमारी इच्छा हो कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं उसमें जो भी आता है जन्माष्टमी में देर इज़ नो एंड इसे हार बनाने से जन्म लक्ष्मी कलेक्शन करने तक सब कुछ सेवा उसमें आती है तो इस सेवा से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में क्या होंगे अवतीर्ण होंगे तो इसीलिए लीला के साथ साथ हमें सेवा भी करनी है अभी यहाँ आने से पहले मदन सुंदर प्रभु मुझे आपका नया जो मंदिर होने वाला है उसको दिखाने के लिए लेके गए थे तो आप सबसे निवेदन है कि कृष्ण को सभी सब भूमि गोपाल की लेकिन ये सब गोपाल के बिल्डर को जाके बोल नहीं सकते सब गोपाल की <laughs> बोलेगा गोपाल आपका हो हा? तो आ, लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है मंदिर बांधने के लिए जरूरत पड़ती है तो आप सब लोग जितना भी है आपसे आपकी इच्छा से या आप प्रेरणा दे सकते हैं तो ये कृष्ण की सेवा है अभी कृष्ण के लिए मंदिर चाहिए क्या कृष्ण को मंदिर की जरूरत नहीं कृष्ण को मंदिर की जरूरत नहीं हमें जरूरत है हमें मंदिर जरूरत है कृष्ण चाहिए तो मंदिर अकेला खड़ा कर सकते हैं इतना ब्रह्मांड खड़ा कर सकते हैं तो कृष्ण के लिए मंदिर खड़ा करना क्या चीज़ है तो ब्रह्मांड में एक भाग है छिंजवाड़ी वो तो गूगल मैप पे आप देखोगे तो एक डॉट भी नहीं है गूगल मैप आप में हमारे लिए तो भगवान के दृष्टि से क्या होगा एक डॉट भी नहीं है तो उसमें अगर मंदिर बन रहा है तो भगवान को कुछ बड़ा चीज़ नहीं है लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज़ है क्यों कि भगवान हमें संधि देते हैं उनकी सेवा करने के लिए तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर हमें समय इसको जानकर कि ये प्रचार की हमें भगवान जो है अवसर दे रहे हैं तो अपने अपने शक्ति से अपने अपनी इच्छा से अपने अपनी बुद्धि से जो भी हो काया वाचा मनसा इस प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए भगवान अवतीर्ण हो रहे हैं बार बार उत्सव होता है तो इस उत्सव को हम मनाते हैं क्योंकि हर जन्माष्टमी हमारे लिए अवसर रहता है हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच शील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण भगवान की जय जन्मा जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय थैंक यू हरे कृष्णा प्रश्न मदर सुंदर प्रभु देख कुछ प्रश्न है क्या हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी ये क्लास का क्वेश्चन नहीं है सुबह के क्लास का क्वेश्चन है पूछूं हाँ चलेगा मैनेजर <laughs> <laughs> so, सुबह में आप बता रहे थे कि आ, आप हाँ, था इसलिए ओके so, सुबह में आप बता रहे थे ना कि ग्लोरीज का भी हम अपने पास नहीं रखते ये, ये, नो, आ, अपने गुरु परंपरा को उसको ऑफर करते हैं सो so, मुझे ऐसा लगा सुन के मतलब ये सुना था पहले भी और अभी भी लगता है आपसे भी सुना और ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है हम इजीली नहीं कर पाते बहुत बड़ी बात है तो इसको हम एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे करें मतलब उसमें क्या फीलिंग होना चाहिए क्या वर्ड्स होना चाहिए क्या एक्शन होना चाहिए थोड़ा सा इसको डीप डेप्थ में समझाएंगे पहले आपको कन्विंस करता हूं मैं कैसे हम करता नहीं है okay, बाद में आप उसका सोचने का भी नहीं मैं आई विल प्रूव दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रेडी फॉर दैट ओके कृष्णा से जिन गीता अहम आत्मा गुड़ाकेश मतलब मैं आत्मा हूं मतलब आप आप भी नहीं है <laughs> इंद्रिया मनस्मी ठीक है सब इंद्रियों में मन मैं हूं मतलब मन भी आपने ठीक है इंद्रिया कैसी बनी है भूमिर आपो नलो वायु पंच तत्व से बनी है अर्थ वाटर फायर एयर एंड इधर मतलब वो भी आपने बुद्धिर, बुद्धिर मताम अस्मि। भगवान कहते हैं कि आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट ठीक है बाद में कहते हैं कि बलम बलवता चाहम आई एम स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग तो आप कहाँ है आप क्या कर रहे हैं किधर है आप इसलिए हम गौरव नहीं लेना चाहिए सीधा सिंपल निमित्त मात्र बहुत सव्य साक्षी कृष्णा इज यूजिंग अस सब कुछ कृष्ण से ही है ये समझ लो है ना उसमें एक ही चीज आपके पास है वो है डिजायर ये सब लेकर मैं कर रहा हूं ये बोलना या सब जिसने दिया है वो कर रहा है ऐसे बोलना देट इज ना, जो भी कुछ करने के लिए बुद्धि लगती है शक्ति लगती है और इंद्रिय लगते हैं मन लगता है और खुद को रखना पड़ता है तो ये सब अगर भगवान का है तो वेरा बेराहमय सो इट इज नॉट फिलोसॉफी इट्स प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि हम सब एक सब कैसे हम गुरु को तो गुरु को क्यों अर्पण करना चाहिए क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला है तो गुरु के माध्यम से हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो इस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग इट इज़ नथिंग लाइक यू नो वे टू डू बिग थिंग करेक्ट अरे मैं क्या कर रहा हूँ ये पहले पहले आपको फेक करना पड़ेगा क्योंकि पहले पहले तो ऐसे बाहर नहीं आएगा ठीक है पहले पहले तो लोगों को दिखाने के लिए करेंगे हम लोग भगवान जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट लेकिन घर <laughs> में जाके कान में लगा कि सुरे हरे क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में क्या बोलते हैं तो ये होगा पहले पहले होगा क्योंकि हमने से उसी तो हम यहाँ आए हैं करता जाने के लिए ये होगा जब तक हमें जब तक हमें करताल अच्छे नहीं बनाने की आदत गौरव की आदत छुटी नहीं इसलिए बोला कि सबसे सबसे कठिन है गौरव को छोड़ना अहंकार को छोड़ना पैसा छोड़ोगे प्रतिष्ठा छोड़ोगे घर छोड़ोगे पत्नी छोड़ोगे पत्नी सब कुछ छोड़ोगे लेकिन अहंकार को छोड़ना मैं कर रहा हूं इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है ये मैं को छोड़ना ना तो बाइबल में एक वेरी नाइसेंट देर इज ओनली आई बिटवीन यू एंड गॉड <laughs> मैं है ना मैं ये जो मैं है ना बहुत खतरनाक है तो इसके पहले फिलॉसफी के लिए समझ ले फिलोसॉफी समझ ले बाद में थोड़ा हो जाएगा पहले पहले तो उसका पहले पहले प्रैक्टिकली क्या करना है कम से कम एक्सटर्नली शो करो कम से कम शुरू तो करो कहाँ से तो बाद में हमको ही लगा रहे क्या यार एक्सटर्नली कर रहा हूँ मेरे मन से नहीं हो रहा है भगवान से प्रार्थना करो भगवान बैठे हैं अंदर

यूआस ट्रैवलिंग प्रभुपात के साथ वो जा रहे थे उस समय उनको स्वामी जी कह रहे थे तो मुकुंद कहा कि स्वामी जी मुझे भूख लगी है और आ, स्वामी जी ने अपने निकाल से एक सफरचंद उसको दे दिया तो सफरचंद खाया क्या बोलते उसको सेब खाया सेब खाया और बोलते स्वामी जी यू वॉन्ट सम देखिए मतलब क्या है कि साधु के साथ कैसा व्यवहार करना ये भी पता नहीं है अभी इन लोगों को जाके कृष्ण भक्ति सिखाया जिन्होंने जीवन समर्पित किया हम तो बचपन से कहते हैं कि कृष्ण के भक्त है करेक्ट तो नेक्स्ट आई एम टेल यू वॉट हैपन सो उसके बाद प्रभुपात सब, सब कुछ सिखा रहे हैं सब कुछ सिखा रहे हैं सब कुछ सिखा रहे हैं तो पहली बार प्रभुपाद जी खुद दंडवत करते हैं उनको पता भी नहीं वो देख रहे अरे क्या कर रहे हैं जमीन पे बूढ़े हो गए गिर गए क्या तो प्रभुपात कहते हैं कि बो डाउन, बो डाउन तो उनको पता नहीं चल रहा है प्रभुपात का एक्सेंट तो बो बो समय हो रहा है, रहा है को ब्लो डाउन। ने कहा बो डाउन तो उन्होंने समझा वो ब्लो बोलो तो ब्लो कर रहे हैं तो दुआ हो गया सब उधर तो प्रभुपात जी बाद में बताए कि नहीं ऐसा दंड इसको कहते हैं कि ऑबिस दंडवत ऐसा अगर कोई गुरु को देखते हैं वैष्णवों को देखते हैं सीनियर देखते हैं तो आप ऐसा दंडवत करो जब उनको देखते हैं तो देन ही एंड देन यू रिसाइड द मंत्र फॉर योर गुरु सो वो बताते हैं कैसे खुद का मंत्र बोल रहे हैं न भोमिष्टु बधाया कृष्ण बेष्टोतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनंद खुद का मंत्र उसी समय बनाया तो बोल रहे हैं ऐसे आपको जोर से गुरु का मंत्र बोलना चाहिए तो सब लोगों ने क्या किया पहले प्रभुपाद दंडवत कर ये सब देख रहे हैं नीचे उनको पता भी नहीं तो प्रभात उनको दंडवत कर रहे हैं कितनी नम्रता है जो हिप्पी लोग हैं जो शिष्य है उनको गुरु दंडवत कर रहे हैं सिखाने के लिए तो गुरु इज ए टीचर बाय बाईज ओन एग्जाम्पल सो सिखाने के लिए तो सब दंडवत करते हैं लेकिन एक व्यक्ति दंडवत नहीं करता है उसका नाम है मुनि उन्हें ही मुझे ये स्टोरी बताई वृंदावन में तो मुनि दंडवत नहीं करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि

शास्त्र कहता है गुरु परंपरा कहती है मेरे को चैंटिंग में कब रोना आएगा उसको भूल जाओ सब वो खाली शिक्षा स्तक में पढ़ो आप ठीक है? <laughs> ठीक है ठीक है ठीक है वो फीलिंग आएगा प्रभुपात कहते हैं कि जस्ट लाइक वुमन एंड मैन दे डोंट हैव टू वेट फॉर मैच्योरिटी इट कम्स ऑटोमेटिकली सो सिमिलरली स्पिरिचुअल फीलिंग विल ऑल्सो कम यू गो ऑन डूइंग द थिंग्स वट एवर आस्ट डू एंड बाय दैट कृष्णा इज सिटिंग इन यूर हार्ट एंड ही विल सी यूर सिंसियर डिजायर एंड देन गिव यू द फीलिंग कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब भगवान की इच्छा हो तब जब करेंगे आ? इसके लिए वेट मत करो भगवान की इच्छा भगवान पहले ही बोल रहे हैं तो फीलिंग जो आएगा ना जैसे आप बोल रही है फीलिंग नहीं है तो भी ठीक है कहा है कि उसको मत स्वीकार करो गुरु को अर्पण करो तो करना चाहिए सीखना चाहिए बाद में इट विल टेक समाइम प्रभु जी ये प्रश्न भी सुबह के ही कथा से निगडित है जैसे आपने महारगड़ी <laughs> <निदी> से आ गए वो भी ऑनलाइन ही सुना था प्रभु जी हरी वो आ नहीं पाए थे तो सुबह आपने महाराज जी का ये सुंदर उदाहरण बताया था कैसे उन्होंने उस आ, मुस्लिम ड्राइवर को आलिंगन करके hmm. उनके सेवा का सराहना किया था yes. और आपने कहा था कि ये दो सेवकों के बीच में ऐसा आदान प्रदान हालांकि दोनों की सेवा अलग अलग स्तर पे है तो ये बहुत ही आ, क्या कहते हैं दिस इज़ टू हाई टू यू नो रियली डाइजेस्ट क्योंकि हम देखते हैं प्रैक्टिकल स्तर पे हमारी संस्था में जिसमें सेवा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है सेवा करने के लिए तो कभी कभी भक्तों के बीच में सेवा करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है तो इस अवस्था में हम ये प्रसंग को कैसे अपने जीवन में उतारें इसके बारे में थोड़ा सा और अगर जानकारी कॉम्पिटिशन yes, इज देयर स्पर्धा ज़रूर होनी चाहिए आध्यात्मिक जगत में भी गोपियों के साथ स्पर्धा होती है यू नो ये स्पर्धा जो है ये कहाँ से आता है ये गुण भी ये भी तो आध्यात्मिक जगत से आता है लेकिन हमारे गौरव के लिए स्पर्धा नहीं कृष्ण के गौरव के लिए स्पर्धा मतलब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो आपने सौ किया तो मैं डेढ़ सौ करूँगा करेक्ट वो जाके फिर से दो सौ करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कृष्णा इज द सेंटर तो ऐसी स्पर्धा करनी चाहिए ऐसी स्पर्धा इज वेरी हेल्दी कि इस स्पर्धा से ना कि हम हमारा ईगो जो है उसको हम क्या करें बड़ा करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं हम कृष्ण को बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो इस स्पर्धा में देर इज नथिंग रॉन्ग करेक्ट हम जब हमारे गौरव के लिए करते हैं तो वहां पर स्पर्धा हो जाती है वो भौतिक स्पर्धा है तो हम पांव खींचने का प्रयास करते हैं अरे आगे जा रहे हैं तो उसको खींचो हम आगे जा रहे हैं तो हमें आनंद होता है जैसे परीक्षा हम देखते हैं कि प्रताप रुद्र है प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं दे रहे चैतन्य महाप्रभु लेकिन सबकी सेवा देकर रामानंद राय जो उनके साथ सेवा कर रहा था अभी रामानंद राय और प्रताप रुद्र में कुछ फर्क है क्या दोनों भी राजा है प्रताप रुद्र भी राजा है और उसके अंडर काम करने वाला वो भी कौन है गवर्नर है वो भी राजा ही है तो खुद जाकर रामानंद राय को दर्शन देते हैं और यहाँ ये तड़प रहा है दर्शन उसको नहीं बोलते हैं तो फिर भी रामानंद राय जब आता है बोलता है कि मेरा इस्तीफा ले लो मैं चैतन्य महाप्रु की सेवा करने के लिए जा रहा हूं वो एनवीएस नहीं होता है, है कितना भाग्यवान है तू तो ये है स्पर्धा इस प्रकार से हमें स्पर्धा को देखना है मुझे नहीं मिल रहा है लेकिन जिसको मिल रहा है उसको देख मुझे आनंद होना चाहिए ठीक है मेरा गौरव नहीं हो रहा है लेकिन जिसका गौरव हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली गौरव किसका हो रहा है कृष्ण का हो रहा है इज जस्ट मीठे विल 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 यू अगर आप खुन्नस रखोगे तो आपके हृदय में अनंत काल तक चलती रहेगी जो कि सत्य नहीं है तो खुन्नस रखने से कुछ फायदा नहीं है कंपटीशन रखने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो भी भूल गया गौरव करने वाले भी भूल गया अरे काम तो मैंने किया गौरव उसका हो गया कह <laughs> है ना ऐसा कभी कभी होता है तो आज सुबह दोपहर के प्रवचन में बोल रहा था मैं कि देखो अस्सी काम जो है सौ प्रतिम सौ प्रतिशत में से अस्सी प्रतिशत काम बीस तक का लोग करते हैं एट्टी परसेंट जो करते हैं उनको कभी गुण गौरव होता ही नहीं किसी को पता भी नहीं चलता है देखिए अभी हम इतना कान के बारे में बोल रहे हैं लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि प्रभुपाद के जो पहले पहले शिष्य है उन्होंने क्या क्या किया है किसी को भी पता नहीं है किसी को भी पता नहीं तो इसका मतलब उनकी सेवा कम गई क्या नहीं हुई उन्होंने भी ऐसा करके नहीं किया रहे हमारा कोई आगे जाके गौरव करेगा और ऐसा होता है जो फाउंडेशन होता है दिखाई नहीं देता है बड़े बिल्डिंग होते हैं यहाँ पर तीस तीस चालीस चालीस माले की बिल्डिंग है फाउंडेशन भी उतना ही होता है वो दिखाई नहीं देता है बट दैट इज अन ओ स्ट्रेंथ फॉर द होल बिल्डिंग तो उसी प्रकार संस्था में जो काम करते हैं सब लोग आगे आके दिखाई नहीं देंगे हमको तो इसीलिए कोई आगे आ गया तो समझ लेना कि बस भगवान के ऊपर उसकी कृपा है उसको नम्रता सिखानी होगी क्योंकि इतना गौरव बढ़ रहा है तो उसको भी सबको नम्रता सिखानी है तो भगवान इसलिए कर रहे हो गे उसका गौरव कर रहे हैं जो कि गौरव के पात्र नहीं है ऐसा हमको लगता है <laughs> तो ये हमें पता नहीं क्या भगवान किस लिए क्या कर रहे हैं हमें खाली वर्तमान देख रहे हैं उसका हमको क्या पता उसने क्या किया है पीछे और आगे जाके क्या करेगा तो किसका गौरव कैसा कर रहे हैं हमें पता नहीं है ठीक है तो इस भावना से हम कोई आगे अगर भक्ति में जा रहा है तो इसलिए पूरा जो अपना कौन सा जो ग्रंथ है जहां पर एक भक्त जो है बोलते नहीं मैं नहीं मेरे से श्रेष्ठ है ये बृहदभागवत भागवत में देखिए सब वो कैसे भक्त है हम समझते हैं कि ये सब बड़े भक्त है लेकिन भक्तों में कैसा कंपटीशन है वो कहते हैं अरे मैं तो ऐसा हूं मेरे से अच्छा ये है बोलते हैं नहीं मैं ऐसे तो हूं मेरे से अच्छा ये है तो दैट इज वैष्णव दैट इज वैष्णव मेरे से अच्छा दूसरों लोगों को देखते हैं ठीक है सो दैट इज अ वैष्णव मूड सो अल्टीमेटली कृष्णा इज द बेस्ट और एक बार महाराज ने ऐसे ही कहा था ब्रह्मचारी मीटिंग में अगर नो बडी इज ग्लोरीफाइंग यू डोंट वरी एवरीबडी इज ग्लोरीफाइंग यू एवरी डे दे, दे से आनंद कोटी वैष्णव रुंद की जाएजी वन क्वेश्चन जैसे कि आप यू हैव बीन विद मेनी टेंपल प्रोजेक्ट्स उसको शुरुआत करने में उसको मैनेज करने में तो जैसे कि हम ला रहे ये प्रोजेक्ट का यहाँ जो काम चल रहा है अभी शुरुआत की स्टेज पर है सो तो जब इस चीज़ इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं सो वी हैव टू इंटरेक्ट अ लॉट विद लॉट ऑफ मेटल एनर्जी हर प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है राशि का भी बहुत लेन देन होता है तो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सतर्कता या कुछ डूज एंड डोंट्स या कुछ चीज़ें ध्यान क्योंकि आज जैसे भी हम बात कर रहे हैं क्रेडिट लेने की जैसे भी व्यक्ति कुछ करता है जैसे भी व्यक्ति का भी कुछ करता है और पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्ट विद मेट्रियल एनर्जी उसके अंदर ये भाव क्रेडिट लेने का बहुत आ जाता है और वैन इज़ इन टच विध स्पिरिचुअल एनर्जी वो भाव समाव आता नहीं है कि मुझे क्रेडिट लेना है बिकॉज इज सेटिस्फाइड सो नाउ वी हैव टू डील अलॉट विद मेट्रियल एनर्जी सो एनी एनी पॉइंट हाउ टू बी केयरफुल वाइल्ड डीलिंग विद इट और क्या चीज़ों के प्रति सतर्कता रख सकते हैं yeah. See, uh, ऐसे जो तो दिखा जाए तो अगर हम हमारा एक घर बांधते हैं रमन एक घर कितना कठिनाई होता है उसमें कितना कठिनाई होता है बराबर है ये तो सौ घर के समान होगा एक बड़ा मंदिर मतलब इसके लिए उतना ही एफर्ट लगना चाहिए इतना ही एफर्ट लगना चाहिए तो हम मेरे घर के लिए इतना मैं एफर्ट कर सकता हूँ क्या मैं भगवान के घर के लिए थोड़ा सा नहीं कुछ कर सकता ये भाव उसमें है और मेरा घर मैंने बनाया इसमें कौन सा गौरव है क्या है गौरव लोगों को हम दिखाएंगे ये मैंने बनाया लोग बनेंगे क्या बना क्या फायदा है तेरा ये तू ही रहने वाला है इधर <laughs> तो हमको पता है क्या फायदा करेक्ट तो मंदिर जब बनता है उसमें गौरव क्या है प्रभुपाद ने एक सेठी करके एक बिल्डर थे जुहू में वो भक्त नहीं बने कभी वो बिल्डर थे तो इसलिए प्रभुपाद को देखकर उन्होंने अपना सेवा दे दिय दिया मतलब कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज जो है उन्होंने नहीं लिया और जुहू मंदिर उनके बांध के दिया तो उनको प्रभुपाद ने बताया था कि बिकॉज आर बिल्डिंग कृष्णा हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान दस गुना हमें दे देते हैं देखिए अपने जीवन में पैसे के बारे में पैसे से मत तुलना करना हम भगवान की चीज पैसे से तुलना नहीं कर सकते हैं या मुझे इस जगत में क्या मिल रहा है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं उसको भक्ति के पैरामीटर में देखना चाहिए और जो भी सेवा किए हैं उनको कैसे भक्ति मिली इसके तौर पर देखना चाहिए आज जैसे मैं सुबह को बता रहा था कि महाराज ऑलवेज स्टार्ट अस यू स्प्रेड द कांग्रेगेशन एंड दे विल बिल्ड द टेम्पल करेक्ट सो बिल्डिंग अ टेम्पल इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कांग्रेगेशन यू नो सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज आर देयर टू गाइड इन द बिगिनिंग महाराज ने हमको कलेक्शन करने के लिए नहीं भेजा बोले ब्रह्मचारी आर नॉट मेट फॉर कलेक्शन लेट ऑल ग्रहस्थ आज टू यू नो तो ब्रह्मचारियों को हमको शर्म आने लगी क्योंकि ये सब गृहस्थ जाके बाहर जाके सब इकट्ठा करके लाते हैं तो ब्रह्मचारी यूज टू गो आउटसाइड एंड कलेक्शन फॉर टेम्पल उनको खाने देने के लिए ताकि गृहस्थ ना सोचे कि मेरे पैसे पे ये जी रहा है तो ये हेल्दी कंपटीशन था इनसाइड साइड आश्रम एंड आउटसाइड आल्सो तो वो भी जाते थे कलेक्शन के लिए तो ऐसा कि बस ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बस हम खाली इधर फुकड़ खा रहे हैं तो एवरीबडी डू एंड यू विल बी अमेज हाउ प्रोजेक्ट्स विल कम पीपल विल कम ऑन देयर ओन प्रभु जी ये मैं देना चाहता हूँ आपको लेकिन जाना चाहिए ना किसी में इसलिए तो मैं सुबह बोलता था ना गंगा बह रही है हाथ धो लो है ना खाली गंगा के पास जाके हाथ डालना है उसमें तो जस्ट ए डिजायर एंड यू विल सी अमेजिंग अभी अभी आप पुना के शुद्धि प्रभु को जानते हो और ऐसे उसको देखो कैसा फंड कलेक्शन करता है वो मैजिकल वो कौन थे अपना जो बजाज देखो बजाज के पत्नी का देहांत तो हो गया तो उसने एक वो बिल्कुल नास्तिक आदमी है मतलब वो पॉलिटिकल है आध्यात्मिक लिए बिल्कुल पैसा नहीं देता है वो ऐसे फूड पॉलिस के लिए देता है अभी भी देता है वो उस, उससे वजह से दे रहा है वो आध्यात्मिक चीज के लिए नहीं देता है तो चौदह प्रभु ने सीधा एक बोला खत लिखा उसने एक लिखिए ऐसे ऐसे अपने वैदिक धर्म में किसी का देहांत हो गए तो उसके नाम पर अगर हम दान दिया तो भगवान की उसको कृपा प्राप्त होती है तो देखिए इसे उसको बुला लिया उसको और साढ़े तीन करोड़ रुपए दिया एक लेटर से तो देने के लिए लोग बैठे हैं हमें जाना है कौन सा व्यक्ति कैसा देगा पता नहीं चलेगा ठीक है तो पैसा तो आता रहेगा प्रभु जी पैसा का कम नहीं है प्रभात कहते हैं कि पैसा का कुछ कम नहीं है इस दुनिया में तो देर इज नथिंग लैकिंग ओनली थिंग लैकिंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस तो अगर आपको मिल रही है तो आप जाओ और यूल विल कम विथ डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हाउ दे गॉट द मनी यू नो हाउ हाउ पीपल गिव द मनी आई वॉज एक्चुअली जस्ट रिस आई वॉज इन ऑस्टिन जस्ट एक महीने से पहले वहाँ एक लड़का है जस्ट यंग मैरिड लड़का है तो वॉट इज इज बिजनेस दीज शी शोड मी आई सेट हीज अलीनियर आई थॉट यू नो हीज अ बिग ऑफिस समथिंग सो ही इन्वाइटेड मी इन इज हाउस फॉर प्रसाद हम सोट सेट वेरी इज यूर ऑफिस हि टुक मी टू हिज रूम एंड हीज़ टू कंप्यूटर सिटिंग यू नो एंड आई सेट is this your office or you have somewhere no this is my office so he's just sitting in front of the computer and he's earning millions of dollars i don't want to tell you how he is doing that <laughs> he's earning millions of dollars just sitting in home but see you know he immediately asked you know how i can serve radhanath maharaj and he gave two million dollars he gave local temple when he told maharaj i want to give maharaj Ne, फर्स्ट यू सर्व द लोकल टेम्पल तो उसने लोकल टेम्पल को तीन मिलियन दिया और बाद में और इच्छा हो गई उसको पैसा आ गया तो देखिए महाराज आई वॉन्ट टू सर्व मोर जि महाराज से टी ओ वी पी गिव टू टी ओ वी पी उन्होंने पाँच मिलियन टी ओ वी पी को दिया तो ये ऐसा है इच्छा हो गई तो भगवान देते भी है लेकिन देने के बाद रखना नहीं चाहिए ठीक <laughs> है तो ऐसा आपको बहुत सी स्टोरीज है ऐसे आपको जो फंड कलेक्टर होते हैं उसके पास आप सुनोगे है ना

हरे कृष्ण सो इज डिशन रुपात कहते थे ना कि देखो मैं चालीस रुपए लेकर आता था अभी कितना बिलियन ऑफ डॉलर इज प्रॉपर्टी टिल मी एनी बिजनेस मैन एट द एज ऑफ सेवेंटी बिग बिजनेस करेक्ट सो दुपात कृष्णा इज मैं हरे कृष्ण प्रभु तो जी का ओ सुंदरी माता जी का क्वेश्चन है ना नहीं सकता हूं। बोल सकता हूँ मैं हरे कृष्णा प्रोजी धन्यवाद मुझे आपका आपको एक पर्सनल सवाल पूछना था कि हरे कृष्णा पर्सनली प्रभु जी इतने सालों के बाद भी आप कैसे उत्साह को मेंटेन करते हैं प्रसाद का कर जैसा आहार वैसा विचार जैसा विचार वैसा प्रचार आप, आप लोग अच्छा प्रसाद खिलाते हैं और वैसा विचार आता है तो प्रचार करते रहते हैं हमारे उद्धार के लिए कुछ टिप्स बताइए प्रसाद के अलावा हाँ <laughs> बराबर है आप तो मेरे से भी ज्यादा प्रसाद खाती हो <laughs> ऑलरेडी प्रूव है अनंत शेष प्रभु ने मोर लगा दिया बराबर है ना इसमें एक है ना एक आई डोट नो सिंस चाइल्डहुड आई एम लाइक दिस फ्रॉम इवन दोन आई वॉज नॉट इन इस्कॉन आई आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर अदर्स आई एन नेॉट ऑफ डूइंग समथ एनीथिंग फॉर इवन आई एम लाइक दैट इवन नाउ आई हैोज ऑन इन माई फैमिली I have such a nice wife, you know. Madam Sundar was asking me so many questions about where is Naran going to go to school and college and what subject. I say, I don't know. Ekavali does all this. So, itna ho. So, either you have to become be bekar grovasta, then be preacher like me. Or responsible Grosta like Anantesh. And then whatever you are doing, you are better, doing better than me. <laughs> I don't know. I am like that always. I, I, I don't have any other. I don't do anything special. Maharatika if anybody you are a Brahmana, whoever says calls you for lecture, you have to go. So that's what I maintain. So people like you keep on calling me and I don't say no, that's it. And he makes sure that I'm busy every week, every day. So I just do whatever comes to me. I don't say no. Possible. You know, sometimes it happens. We had a fantastic day today. This was a third program. वी स्टार्टेड अवर मॉर्निंग बाई हियरिंग अबाउट लीडरशिप एट्रीब्यूट्स पर्टिकुलरली फ्राम रोल मॉडल दैट वी ऑल अस्पायर एंड लुक फॉवर्ड टू हिजोलिन राधना स्वामी महाराज जिनके संग प्रभु जी का बहुत नज़दीकी का संग रहा है कई कई सालों तक और अभी भी वो बैलगाम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि महाराज वहाँ पर दीक्षा समारोह के लिए जा रहे हैं so, उसके साथ फिर हमने क्योंकि इनका बैकग्राउंड एक प्रकार से आर एस एस और वी एच पी के संग्रह है तो हमने उनके उस संगठन के संग भी एक प्रोग्राम रखा ताकि उनके संग भी मिलना हो और फिर आज ये तीसरा प्रोग्राम है जाओ कम्युनिटी के लिए सो इज़ थर्ड प्रोग्राम ऑफ अ डे सो आई गेस मदर्स क्वेश्चन वाज वेरी अप्रोप्रिएट कि बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे स्टिल uh, एंथोजिया और अगर वो ट्रेन जर्नी की बात नहीं होती तो शायद वो प्रवचन विराम नहीं होता वो चलता ही रहता And he would have been as enthusiastic as at seven o'clock or maybe six forty-five when the lecture began. So सो आइए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ही ट्रेवल्स ऑल अराउंड एंड वंस एन अवाइल ही पुट्स इज मर्सीफुल ग्लैंस एट हिंजेवाड़ी और वह है यहाँ पर आ जाते हैं अपनी ही कृपा के अनुसार सो आइए हम सब इनका अभिनंदन करते हैं एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और एक बार फिर जो मैं पहले प्रभु जी से कह रहा था आई एल रिपीट अगेन ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी अभी आते समय मैं प्रभु जी को जगह दिखा के आया जो हमारी जगह टेम्पल लैंड के लिए फाइनलाइज हुई है विच इज़ जस्ट हार्डली एन हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम हियर तो मैं प्रभु जी से कह रहा था कि आप भगवान से प्रार्थना करिए और साथ ही साथ आप गुरु महाराज से मिलने जा रहे हैं तो कृपा करके हमारा संदेश हमारी कम्युनिटी की तरफ से दीजिएगा सब हाउ महाराज शुड गेट दिस मैसेज महाराज गेस्ट टू नो हाउ हज़ फ्लैजलिंग डिवोटीज़ आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन पुणे या ठिजेवाड़ी इफ महाराज कैन ऑफर वन प्रेयर जो भी बच्चे कुछ पेपर वर्क हैं वो अगले चौबीस घंटे में निपट जाएंगे सो प्रभु जी इज़ कैरिंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर ऑन हज ओ वेट ऑन इज शोल्डर वैन ई गोज़ टू बेलगाम सो मैं एक बार फिर दोबारा विनती करूँगा प्रभु जी से ये याद रखिएगा प्रभु जी महाराज uh, को हमारी ये विनती दे दीजिएगा सो so, जैसा हमने सोचा है कि जन्माष्टमी तक सब हो जाए सो आई एम पुडी शो दैट वर्क इट आउट सो उसी के साथ एक बार फिर प्रविष जी का बहुत बहुत धन्यवाद वो समय निकाल कर यहाँ आए एंड वी होप आई लुक फॉरवर्ड टू सी हिम अगेन आफ्टर जन्माष्टमी बट एज ई सैड ही इज एक्सट्रीमली पैक्ड ही अभी डिंडी यात्रा हुई थी तो, तो प्रवी जी वहाँ पर डिंडी यात्रा के लिए थे ट्रेवल्स ही वॉक्स ही स्पीक्स अ फैंटैस्टिक फैंटैस्टिक एग्जाम्पल एंड रोल मॉडल हरे कृष्ण Oh. Jagadguru Sheila Prabhupada king